नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूं रीना। नया साल आने में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नए साल का कैलेंडर घर में लाने के बारे में सोच रहा है तो उससे पहले वास्तु के कुछ जरूरी नियमों का जान लेना बेहद आवश्यक होगा। वास्तु शास्त्र में घर में नए कैलेंडर को लगाने के कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन करके घर के परिजनों की तरक्की हो सकती है, साथ ही पूरे साल भाग्य का साथ बना रहेगा। वहीं अगर व्यक्ति गलत तरीके से कैलेंडर को घर में लगाता है तो उसे पूरे वक्त कई प्रकार की बाधाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से नए कैलेंडर को घर में लाने के सही नियमों के बारे में जानते हैं। वास्तु के अनुसार घर में नए कैलेंडर लगाते वक्त इसे कभी भी घर के दक्षिण दीवार पर ना लगाएं। इससे घर के मालिक के शुभ कार्य में बाधाएं आती हैं, साथ ही सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं कभी भी पुराने कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे कार्य में रुकावटें आती हैं। वास्तु के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी कैलेंडर को मेन गेट के पीछे या फिर सामने या फिर मेन गेट पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के तरक्की की राह में कई प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। घर में कभी हिंसक और दुखी चेहरे वाले कैलेंडर को भी जगह ना दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी पुराने कैलेंडर पर नए कैलेंडर को ना लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी घर में कटे फटे कैलेंडर लगाना नहीं चाहिए, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके अलावा आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार कैलेंडर लगाने के सही नियम क्या है। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा की दीवार को नए कैलेंडर लगाने के लिए उचित माना गया है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है। वास्तु की माने तो घर की पूर्व दिशा में उगते सूरज की गुलाबी और लाल रंग के और हरे रंग के कैलेंडर को लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। वहीं घर की उत्तर दिशा में नए कैलेंडर के साथ बहती नदी, झरना, हरियाली या फिर विवाह की तस्वीर लगाना भी शुभ माना जाता है। घर में सुनहरे सलेटी रंग के कैलेंडर लगाने से खुशहाली आती है, साथ ही सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।